सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो नमस्ते, विंटर आ चुका है और आप सब भी मेरे चैनल पे जो लोग जुड़े हैं पोज का वेट कर रहे होंगे कि विंटर स्पेशल पोज कब आएगा। तो फाइनली आ चुका है, इससे पहले भी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा जाके, बहुत ही अच्छे अच्छे एक डैसिंग सा पोज होता है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग पोजेज हैं, तो वो ज़रूर जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये वाला जो वीडियो होने वाला है वो क्रिएटिव होने वाला है, तो बहुत सारे क्रिएटिव पोजेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो छोटे छोटे चीज़ यूज करके प्रॉप के तौर पे आप बहुत ही अमेजिंग फोटोज़ ले सकते हो। एंड गाइज, इस लुक का तारीफ ज़रूर कर दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है वो भी बोल सकते हो, बट बुरा लग जाएगा इसलिए तारीफ कर दीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे क्रिएटिव पोजेज लें। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि अपना जो ये फ़ोन है हम ट्राइपॉड में सेट किए हुए हैं। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके छत पे पिलर होंगे या रेलिंग होंगे उस पर आप ईंट रख सकते हो और वहाँ फ़ोन इस तरीके से रख के भी फ़ोटो ले सकते हो। तो कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी ट्राइपॉड नहीं था जब हम अपना चैनल स्टार्ट किए थे। हम तो बहुत बाद में ट्राइपॉड लिए थे, एक साल बाद, वो भी हमने लिए थे, मेरा भैया दिलाया था फर्स्ट टाइम। तो क्योंकि मेरे को ट्राइपॉड के बारे में पता भी नहीं था जब हम अपना चैनल स्टार्ट किए थे, इसलिए तो इस तरीके से आप ले सकते हो। ऐसे टिका देना है मोबाइल अपना, क्योंकि हम इस तरीके से ही ले रहे हैं, ऐसे मोबाइल नहीं किए हुए हैं, इस तरीके से ले रहे हैं फ़ोटो। एंड सेकंड चीज़ गाइस, आपको टाइमर सेट कर लेना है और क्रिएटिव पोज खुद से लेना है, वेट ही नहीं करना है किसी का कि वो आपका फ़ोटो ले, खुद से ही हम लोग खूबसूरत फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि मेरा फर्स्ट प्रॉप क्या होने वाला है। सो गाइस, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ फ्लावर हैं, जो सन फ्लावर हैं, तो इनके साथ हम आज फ़ोटो लेने वाले हैं। तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि हम लोग तोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता फूल तोड़ना, बट कभी कभी अब मन कर रहा है आज फ़ोटो लेने का, शेयर करने का, तो एक फ्लावर ज़रूर तोड़ेंगे। एंड गाइस, मतलब अगर आपको फ़ोटो लेना हो ना, आप ये छोटा छोटा सा चीज़ यूज़ करोगे ना, बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आएंगे। बट अभी हम फ्लावर नहीं तोड़ने वाले हैं, अभी हम बस इस जो ये जो पौधा है इसी के साथ फ़ोटो लेने वाले हैं, सिंगल फ्लावर के साथ, इसके बाद हम बताएंगे। तो चलिए देखिए पोज। एंड ये जो है ना फ्लावर, मेरी सासू माँ लगाई हुई है मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखिए पहले पोज। सो गाइज, आपको इस तरीके से थोड़ा सा जूम कर लेना है अपने कैमरे को, एंड इस तरीके से जाके और फ्लावर के पास खड़े हो जाना है और ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे आप गुलदस्ता लिए हो हाथ में, या एकदम मतलब आप फ्लावर के साथ इंजॉय कर रहे हो, मतलब पूरा फोकस जो है फ्लावर पे रहना चाहिए, जिससे बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आएंगे। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो गाइज, ऐसे निकल के आए हैं फ़ोटोज़, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगेंगे इस तरीके से आप पोज लेते हो, फ़ोटो लेते हो, मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप एकदम गार्डन में इंजॉय कर रहे हो इस ठंड के दिन में, और बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आएंगे। और आप इस तरीके का लुक करते हो ना, तो आपको लगेगा आप कश्मीर में हो, या इस तरीके का मतलब फ़ील आएगा, मेरे को तो आ रहा था। और देख सकते हो फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग आए हैं, आप भी कॉमेंट करके बताना। सो गाइज, आप इस तरीके से बहुत ही और खूबसूरत खूबसूरत पोजेज ले सकते हो फ्लावर के साथ, मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप कहीं बगान में हो एंड या गुलदस्ता लिए हुए हो, इस तरीके का लगेगा आपको पोज देखने के बाद। तो चलिए अब इसमें से एक फूल तोड़ना होगा, और बहुत पेन हो रहा है तोड़ते हुए, तो एक लेते हैं जो मुरझाने वाला है, उसको ले लेते हैं। तो ये मुरझाने वाला है, इसको तोड़ लेते हैं। फ्लावर तोड़ लिए, चलिए अब इसके साथ पोजेज आपको दिखा सकते हैं। मेरे पास आ चुका है ये फ्लावर, और इसके साथ कैसे पोज लेंगे, वैसे तो बहुत बार फ्लावर के साथ, बहुत बार नहीं दो बार ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो इसको एकदम इस तरीके से पास रखना है कैमरा के, और कुछ फ़ोटोज़ लेने हैं। तो चलिए। सो गाइज, ये फ़ोटो इस तरीके से होगा जैसे आप किसी को फ्लावर दे रहे हो, अलग अलग तरह से फ़ोटो एक आइज पे रख के, एंड मतलब सच में ये क्रिएटिव लगेंगे अगर आप इस तरीके से फ़ोटो लेते हो तो। और सनफ्लावर के साथ फ़ोटो तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि येलो कलर का फ्लावर रहता है, तो बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ आएंगे आपके अगर जिस तरीके से हम पोज किए हैं। आप भी ज़रूर इस तरीके से करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत फ़ोटो आएंगे, ऐसा लगेगा कि फ़ोटोग्राफर का लिया हुआ फ़ोटो है। और एडिटिंग ज़रूरी है गाइज़, क्योंकि मेरा ये फ़ोटो जो है एडिट किया हुआ है, तो एडिट ज़रूर कर लें। सो गाइज, कुछ पोजेज जो होंगे इस तरीके से करके लेंगे, और ये ऐसे पोज लेने पे तो कैसे भी लो आप, अच्छा ही लगता है। तो
सो गाइज इस तरीके से देखो, आप कान के पास रख के फ्लावर फोटो ले सकते हो और एक अलग ही लुक आता है निखर के, आप खूबसूरत भी लगते हो। और एडिटिंग का बात कर रहे थे, तो एडिटिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो ड्रेस है वो कलरफुल लगे। ऐसे फ़ोटो में ड्रेस बहुत डल कलर आता है और फ़ोटो को एकदम अच्छा सा कलर देने के लिए एडिट करना पड़ता है। ये सब चीज़ हटा दीजिएगा मन से कि फ़ोटो एडिट किया जाता है खुद को गोरा दिखाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। कलर अच्छा आने के लिए फ़ोटो एडिट होता है। सो गाइज आप इस तरीके से फ्लावर के साथ बहुत सारे क्रिएटिव पोजेज ले सकते हो, जो बहुत ही एक आपके फ़ोटो को ना अलग खूबसूरत बना देगा। क्योंकि नॉर्मल फ़ोटोज़ तो हम लोग लेते रहते हैं, बट अगर आपको फ़ोटो शूट करना है, कुछ अलग करना है, तो आप इस तरीके से फ्लावर लेके एंड बहुत सारे अलग अलग प्रॉप यूज़ करके बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ ले सकते हो। बहुत खूबसूरत एकदम लगेगा कि वाह देखने से। तो चलिए जो नेक्स्ट होगा, किसके साथ करें पोजेस, तो ढूंढते हैं। आप ही के साथ अभी वीडियो स्टार्ट किए हैं और सोच भी रहे हैं कि क्या क्या यूज़ करें, ऐसे पहले से सोच के हम नहीं बना रहे हैं। तो नेक्स्ट जो होगा, चलिए ये वाले फ्लावर के साथ करते हैं, ठीक है। ये फ्लावर के साथ हम उसका जो क्या बोलेंगे कहेंगे हल्का सा तोड़ के एंड पोजेस लेंगे बहुत ही अमेजिंग। तो तोड़ के पहले तो लाते हैं, तो हम वहाँ से तोड़ते हैं जहाँ मेरे को लगता है कि या तो सूख रहा है या उसको कट करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्लावर का एक अच्छा शेप देने के लिए कट करना होता है हमेशा, तो हम लोग तो कर नहीं पाते, उतना टाइम नहीं दे पाते। बट हम फ्लावर भी वहीं वहाँ से निकाले हैं जो सूखने वाला है और ये भी वहीं से लिए हैं। तो चलिए देखिए ये जो ग्रीनी ग्रीनी सा दिख रहा है इसके साथ पोजेस। सो गाइज देखिए इस तरीके से आप फोटो ले सकते हो और ग्रीनी जो है वो और ज़्यादा भी ले सकते हो, एकदम ग्रीन कलर का जो दिखे। एंड अलग अलग तरीके से ऐसे फ़ोटोज़ लोगे जो आपको लगेगा कि एकदम क्रिएटिव पोजेज हैं एंड बहुत सच में सुंदर फ़ोटोज़ आते हैं। कुछ अपने फेस के पास इस तरीके से रख के ले सकते हो, जिससे मतलब कुछ अलग आपका पोज निखर के आए, मतलब बहुत ही सुंदर लगेगा ऐसे फ़ोटो लोगे तो। अगर आप ट्राई करोगे तो ज़रूर मेंशन करिएगा मेरे को इंस्टाग्राम पे गाइस, जो मेरे पोज से इंस्पायर होके अगर फ़ोटो लेते हैं तो ज़रूर एक बार मेरे को मेंशन करिएगा, हम भी अपने स्टोरी में मेंशन करना चाहेंगे, मेरे को बहुत खुशी मिलेगा। सो गाइज आप इस तरीके से बहुत क्रिएटिव पोजेज ले सकते हो। तो चलिए जो नेक्स्ट बताने वाले हैं वो फर्श पे बताने वाले हैं, मतलब नीचे बैठ के। तो चलिए देखिए वो भी पोजेज। गाइज आपको इस एंगल में अपना फ़ोन रख के एंड ऐसे नीचे बैठ जाते हैं। धूप बहुत लगने लगा क्योंकि हम पिछले एक घंटे से शूट कर रहे हैं एंड चलिए फिर भी देखते हैं कैसे कैसे फ़ोटोज़ आते हैं, चलिए देखिए। सो गाइज इस तरीके से आप नीचे बैठ के और फ़ोन इस एंगल में रखिएगा कि आपका फेस अच्छे से आए और बहुत ही सुंदर आप इस तरीके से फ़ोटो ले सकते हो एंड कुछ अलग भी लगेगा और कुछ क्रिएटिव भी लगेगा, बहुत ही सुंदर फ़ोटो आएगा। एंड फ्लावर्स ज़रूर अपने कान के पास इस तरीके से रखें जिससे आपका जो लुक है ना एकदम से अलग लगेगा। तो कैसा लगा पोज गाइज ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो गाइज अभी हम जो शूट कर रहे थे फ़ोटो, एकदम आँख लग रहा है ऐसे हो गया, सीधा धूप लग रहा था आँख में ही, तो अजीब सा हो गया। तो चलिए गाइज कैसा लगा ये क्रिएटिव पोज जो हम आप लोग के साथ शेयर किए हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सच में बहुत मेहनत लगा, अभी लग रहा है मेरे को दिख नहीं रहा है इस तरीके से क्योंकि धूप आँख पे बहुत ज़्यादा पड़ गया है। तो कैसा लगा पोज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा जो हम पोज आप लोग के साथ शेयर किए हैं, ये क्रिएटिव पोजेज भी। और इससे पहले वाला वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा गाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड वो भी अभी विंटर के बहुत सारे पोजेज आने वाले हैं अलग अलग ड्रेस पे, अलग अलग लुक पे। तो ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय माता दी, बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइज़।